बड़ा अपडेट निकल कर आया है आपके वार्षिक परीक्षा को लेकर। तो जैसे कि आपको मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट रहने वाला है, ओके। तो जैसे कि इसमें लिखा है शैक्षणिक सत्र 2021-22 की। देख पहले तो आपको बता दूँ कि ये जो है ये कब का है, ये 17/12/2021 का अपडेट है, आप लोग देख सकते हो। और ये mp.nic वेबसाइट से लिया गया है, आपको पता होगा ये MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। तो इसमें लिखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 की त्रैमासिक छमाही प्री बोर्ड एवं मुख्य परीक्षाओं के अंकों के ऑनलाइन प्रविष्टि करने हेतु मंडल द्वारा संदर्भित पत्र जारी किया है, जिसमें ऑफलाइन प्रविष्टि से संबंध में विस्तृत निर्देश व्यवस्थाएं तथा प्रश्नीय पृथक में जारी करने का उल्लेख किया गया है। गाइज इसको तो आप लोग पहले ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, ओके ये ले लीजिए, अब इसको पढ़ लेना आप लोग। और बाकी इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। तो मैंने आपको नोटिस तो पढ़कर सुना दिया, अब रही बात इसमें लिखा क्या है, तो वो मेन बात इम्पोर्टेंट करती है। तो इसमें दिया गया है कि जो हमारी 9वीं से 12वीं की परीक्षाएं अभी हुई थी त्रैमासिक अर्धवार्षिक, इनमें जो नंबर हुए थे अब बोर्ड ने उन्हें ऑनलाइन मंगाने का निर्देश दे दिया है। पहले क्या होता था कि जो आपकी ये परीक्षाएं होती थी त्रैमासिक अर्धवार्षिक, इनकी जो रिजल्ट होता था वो स्कूलों में ही बना दिया जाता था, लेकिन अब बोर्ड ने ऑनलाइन मंगाने की अपील कर दी है, जिसमें सभी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को ये आदेश दिया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो 9वीं और 10वीं का जो अर्धवार्षिक त्रैमासिक था वो मंगा लिया था पहले ही। अब रही बात 11वीं और 12वीं की, तो 11वीं और 12वीं के बच्चों को भी मंगाने के लिए बोल दिया है। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि डेट भी दे दी है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग डेट, सॉरी ये इधर से देख लीजिए जस्ट सेकेंड, ये यहाँ पे देख सकते हैं 20/12/2021 से 15 जनवरी 2022 तक उपलब्ध कराने के लिए बोल दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, बस ये अपडेट देना था, जो कि बहुत बड़ा अपडेट था। और इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जो आपके अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पेपर अगर ख़राब गए हैं तो आपको चिंता लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी आपको वो नहीं है कि अगर आपके ख़राब भी गए हैं तो आपका रिजल्ट ख़राब नहीं होगा। अगर वार्षिक परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी हम आपको करा ही रहे हैं, अगर नहीं होती है तो आपका रिजल्ट ऐसे बनेगा। और अगर आप लोग अब्सेंट रहे या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया तो भी कोई चिंता लेने की जरूरत बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों के जो ये पेपर ख़राब गए हैं तो उसका भी आपको कोई इशू नहीं रखना है, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा ही रहने वाला है, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, ओके गाइस। क्योंकि जो आपका जैसे 70% का लिया जाता है, जैसे आपके अर्धवार्षिक अच्छा गया होगा या त्रैमासिक अच्छा गया होगा तो उसके हिसाब से ले लिया जाता है, और बाकी अगर आपके वो भी अच्छे नहीं गए तो आपने जो ये एग्ज़ाम दिए थे, जो ये छोटे छोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं मिड टर्म प्री टर्म ऐसे टाइप करके, मिड टर्म प्री टर्म क्या बोल रहा हूँ, जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं आपके मंथली टेस्ट वगैरह, उनके हिसाब से भी लिया जाएगा, ओके गाइस। तो आपको करना क्या है, बस अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी जारी रखना है, अगर शायद नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसे खाली मत बैठिए कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो अभी उसका कंफर्म नहीं है, ओके। तो आप लोग कई लोग यूट्यूब पर फेक वीडियो डाल रहे हैं व्यूज़ के लिए कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे वीडियोज़ को प्लीज़ अवॉइड करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलता है और आपको मिलता रहेगा हरदम, ओके गाइज। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है वैसे भी अर्धवार्षिक परीक्षा में, ऐसी वार्षिक परीक्षा में सपोर्ट दिखाना तो हम लोग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, ओके गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाकी अपडेट यही था, ओके फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।